हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तपुस डॉल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ एक हेयर प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। आपको बाहर की कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने की भी जरूरत नहीं है और पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी हेयर पा सकते हो, तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपके बाल बहुत ड्राई, रफ, हेयर फॉल एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आपको सिर्फ लोकल शॉप पे जाके फ्लैक्सीड लेना है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, B2, विटामिन सी है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके बालों के जितने भी प्रॉब्लम, चाहे वो ड्राइनेस, रफनेस, हेयर फॉल, डैंड्रफ, इन सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो। एंड ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फिर हम देख लेते हैं फास्ट इस सोल्यूशन को घर में कैसे तैयार करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हेयर केयर कैसे यूज़ करना है। जल्दी से इसको बनाने का जो प्रोसीडियर है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून फ्लैक्सीड लेंगे। 1, अगर आपके पास इस टाइप की मेजरमेंट स्पून नहीं है तो आप घर में जो रेगुलर स्पून यूज़ करते हो उससे भी मेजरमेंट कर सकते हो। एंड 2 टेबलस्पून फ्लैक्सीड मैंने ले लिया है। आप लोगों को समझने में कोई भी तकलीफ ना हो इसलिए मैंने इस टाइप की मेजरमेंट स्पून यूज़ किया है। जिनको भी नहीं पता फ्लैक्सीड देखने में कैसा है, आप लोग देख लीजिए। एक मिनट, मैं ज़रा कैमरा को जूम कर लूँ। देख लीजिए आप लोग। इसको आप 30 मिनट तक पानी में भिगा के रखना है। अभी हम गैस ऑन करके इसको बॉईल करेंगे। जेल बनाने के लिए चाहिए आपको 2 कप पानी। एंड जो फ्लैक्सीड मैंने पहले भिगा के रख दिया था वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहो तो आप जिस पानी से फ्लैक्सीड को भिगा के रखा था आप उस पानी से इसको बॉयल कर सकते हो। देन इसको 10 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर अब छोड़ दीजिए। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग फ्लैक्सीड लीजिए। बीच बीच पर स्पून से ऐसे ही आपको चलाते रखना है। अगर आपके बाल मुझसे भी ज़्यादा लंबे हैं तो आप 3 से 4 टेबलस्पून फ्लैक्सीड एंड 3 से 4 कप पानी डाल देना। ऑलमोस्ट हो गया है। 10 मिनट बॉईल करने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ देखने में ऐसा हो जाएगा। इसको ठंडे होने के लिए आप इसको ऐसे ही ओवन के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको फर्स्ट टाइम ज़्यादा बना लीजिए, ताकि बाद में कम ना हो जाए, और ज़्यादा हो भी जाएगा तो दिक्कत नहीं है कोई। ठंड होने के बाद आप इसको साफ़ कपड़े से छान लीजिए। स्ट्रेनर से इसका जो जेल है वो पूरी तरह से नहीं निकलता है, तो आप कोशिश कीजिए इसको कोई साफ़ कपड़े से छानने की, ताकि इसके अंदर जितने भी जेल है वो निकल जाए। देन आप इसको एक ग्लास की जार में रख के रेफ्रिजरेटर में स्टॉक कर सकते हो। आप इसको 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हो। जेल रेडी हो गया है, अब मैं इसको बालों पर यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले अपनी बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। देन फिंगर के हेल्प से इस जेल को फुल हेयर पर लगाना है। ध्यान रखिएगा किसी भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अगर आप चाहो तो इस जेल पर लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इसमें खुशबू भी आ जाएगा और ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। अगर आपके पास लैवेंडर एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको ज़्यादा नहीं बनाया है क्योंकि आप जो घर में जो आप DIY बनाते हो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, और नेचुरल प्रोडक्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है बिना प्रिजर्वेटिव से। आप इसको 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हो तो आप इसको 20 से 25 दिन तक भी यूज़ कर पाओगे। जेल लगाने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक इसको मसाज करना। जेल लगाने के बाद आप इसको 2 से 3 आवर्स के लिए ऐसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। देन आप कोई भी शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर सकते हो। आपको कोई भी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखते हैं मेरे बाल वॉश करने के बाद मेरे बालों पर कुछ भी चेंजेस नज़र आ भी रहा है कि नहीं। देखिए, अगर आप लोगों को मेरे बालों पर कुछ भी चेंजेस नज़र आ रहा है तो आप इसको डेफिनेटली अपने घर पर इसको ट्राई कीजिए।
सो गाइस, अगर आप मेरे बताए गए तरीके से इसको यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर इसका रिजल्ट मिल ही जाएगा। एंड इसको आप हफ्ते में 1 से 2 दिन तक यूज़ कर सकते हो। इस जेल को लड़का या फिर लड़की कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल जो जेल है इसको डेफिनेटली सबको पसंद आने वाला है। इस जेल को यूज़ करने के बाद आपके जितने भी हेयर प्रॉब्लम थे वो सब कम हो जाएगा एंड आपकी हेयर ग्रोथ भी होगा। आप इसको 1 मंथ तक यूज़ कीजिए, उसके बाद आपके जो भी फीडबैक है वो मेरे कमेंट सेक्शन पर आकर ज़रूर बताना आपको ये जेल कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।